वेलकम टू देव किचन। आज हम बनाएंगे पिज्जा शॉर्ट्स, या फिर आप इसे पिज्जा बुलेट भी बोल सकते हैं। ये बनाने में जितनी इजी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए, या फिर बच्चे अचानक से डिमांड करने लगे, या फिर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, तो आप ये रेसिपी बहुत इजीली बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। और इसे बनाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये पिज़्ज़ा बुलेट बनाना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा शॉर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सअप्स लिए हैं। ये मिक्सअप्स बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। मिक्सअप्स डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 2 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। यहाँ पे हम 1 कटोरी पोहे का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पोहे लिए हैं। इसका हमें अच्छा सा पाउडर बना लेना है। ये देखिए, यहाँ पे पोहे का पाउडर बनकर तैयार है। इसे हम आराम से धीरे धीरे गूंथते जाएंगे, क्योंकि पोहे जो है पानी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी ही सूख जाते हैं। इसे सॉफ्ट गुने, अगर ये मिक्सर जो है सूखा रखेंगे तो आपके जो ये बुलेट है तेल में जाके फट जाएंगे। सॉफ्ट आटा बन के तैयार हो चुका है। अब हम हाथ को तेल लगाकर ये एक अच्छा सा शेप देंगे। आप अपने हिसाब से अलग शेप भी दे सकते हैं। इसे अच्छे से प्रेस करना है। फिर इसके अंदर मोजरेला चीज़ डालूंगी। मैंने यहाँ पे चीज़ के क्यूब्स लिए हैं और अच्छा सा शेप दूंगी। और चीज़ कहीं से बाहर नहीं दिखना चाहिए, तब तक अच्छे से शेप देना है। इसी प्रकार सभी बुलेट्स बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये फ्राई करके हो चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। पिज़्ज़ा बुलेट बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और हमेशा की तरह आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।